टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ इसके नाम दे दूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको जो है वो फ्रैकल्स बोल रहे होते हैं, ये फ्रैकल्स नहीं होते। फ्रैकल्स जो होते हैं वो डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो बने हुए होते हैं स्किन के ऊपर मोल्स की तरह के, ठीक है। और उनकी कुछ खास साइट होती है, एक खास एरिया होता है जहाँ पे वो बनते हैं, जैसे नोज ब्रिज ऑफ नोज पे बनते हैं और अपर चीक्स आंखों के बिल्कुल जो नीचे चीक्स का एरिया होता है उसके ऊपर बनते हैं। पूरे मुंह के ऊपर भी होते हैं लेकिन तब भी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया यही होता है। फ्रैकल्स को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो एक ही चीज़ का नाम ले रहे होते हैं, आई कांट से मच कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं। भारत जो पिगमेंटेशन है, एक्चुअली जब हम पिगमेंटेशन बोलते हैं तो उससे हमारी मुराद या हमारा मतलब होता है हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि किसी जगह के ऊपर पिगमेंटेड यानी कि डार्क स्किन से डार्कर कलर का पैच बना होना, और इस बना हुआ होगा तो इसको हम कहेंगे हाइपर पिगमेंटेशन। और ये आप यहाँ पर पिगमेंटेड पैच, और इसको जो है वो उर्दू में झाइयाँ बोलते हैं, और हमारी लैंग्वेज में डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इसको मेलास्मा बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है। हमारी स्किन के अंदर रंग बनाने वाले या स्किन बनाने वाले सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। वो एक पिगमेंट या एक कलर बनाते हैं जिसको मेलानिन बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे पिगमेंटेड पैच होता है, जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे झाइयाँ बनी होती हैं, वहाँ पे जो स्किन होती है उसमें दो चेंजेस आ जाते हैं। जो पहला चेंज होता है, नंबर वन चेंज होता है, वो ये होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाता है। और नंबर टू क्या होता है, नंबर टू ये होता है उसके अंदर चेंज आ जाता है कि जो ईच सेल है, हर सेल जो है वो पिगमेंट भी ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है या जो भी जहाँ पे पिगमेंटेशन है वो एरिया हमें डार्कर देन नॉर्मल स्किन नज़र आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। एक होता है सन डैमेज, ठीक है, जिनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। जो सन स्पॉट्स होते हैं वो बेसिकली सन की वजह से पिगमेंटेड स्पॉट्स बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं एज स्पॉट, ये एज रिलेटेड होते हैं मेनली, कि एजड लोग या जो मेच्योर स्किन होती है या एजड स्किन होती है उसके ऊपर आपको पिगमेंटेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एज स्पॉट्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मेलास्मा, ठीक है, इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी एज में हो सकते हैं और पिगमेंटेड यानी कि आपकी स्किन से डार्कर कलर के पैचेस कहीं पे भी लग सकते हैं, ठीक है, और उस जिसको हम मेलास्मा कहते हैं। और उसके बाद एक और है, वो क्या है, वो है जी PIH यानी कि पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन रहे, कहीं पे कोई डर्माटाइटिस या एक्जिमा रहे, और या फिर कोई पिंपल्स बने वो ख़त्म हो जाते हैं या वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे पिगमेंटेड पैच आ जाता है या छोटा सा पिगमेंटेड स्पॉट आ जाता है, इसको कहते हैं हम PIH, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई चीज़ की टाइप्स। अब हम आ जाते हैं कॉजेस। सबसे टॉप पे जो कॉज आएगी दैट इज सन डैमेज, यानी कि सूरज की शुआओं से जो स्किन को नुकसान पहुंचता है उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है। फिर आ जाता है हॉर्मोन्स। जी हाँ, हमारे जो हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पीरियड्स में साइकिल्स में प्रॉब्लम होता है, वो उनके रेगुलर नहीं होते, इसका मतलब है कि उनके हॉर्मोन्स में कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई इनबैलेंस होता है जिसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन हो सकती है। PCOS में भी हो सकती है, इवन प्रेगनेंसी में बहुत होती है। आपने कॉमनली देखा होगा कि प्रेगनेंट लेडीज़ के अंदर जो है वो पिगमेंटेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जिनको झाइयाँ बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एज। एज के साथ क्या होता है कि स्किन का वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता जाता है और स्किन की जो अपनी इम्यूनिटी है या अपने आप को हील करने की कैपेसिटी है वो पहले से कम होती जाती है। उसकी वजह से जो सनलाइट का डैमेज है वो एक्यूमुलेटिव होता है, जो इतने अरसे से हो रहा होता है तो वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। और एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर की वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है या आपका सेलुलर चेंज आ जाता है और पिगमेंटेशन हो सकती है। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लेमेशन या इंजरीज। जी हाँ, जहाँ कहीं भी आपको कोई चोट लग जाए, चोट तो नहीं कह सकते, इंजरी का मतलब ये होता है कि सेलुलर क्या कहते हैं लेवल पे, सेल्स के लेवल पे आपको कहीं पे भी कोई इन्फ्लेमेशन होगी
जैसे किसी भी किस्म का जो है वो एक्जिमा हो सकता है, इवन डर्माटाइटिस हो सकता है, इवन आपके जो है वो अगर एक्नी रह रही है या एक्नी रहती रही है तो उसके बाद भी जो है वो आपको वहाँ पे पिगमेंटेशन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ऐसी कुछ डिजीजेस होती हैं जिनमें पिगमेंटेशन होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा क्या है इसमें? ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं वो होती हैं, उसके अलावा जो है वो मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जैसे किसी को जो है वो सोराइसिस है, ये मैं ऐसी मतलब डिजीजेस का नाम ले लूँ, शायद आपने उनको सुना हो, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेस के अलावा जो है और क्या क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें आपने जो सबसे ज़्यादा कॉमनली नाम सुना होगा वो है शुगर का या फिर डायबिटीज़ का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वाइटमिन डेफिशिएंसीज। हाँ जी, जो इसेंशियल वाइटमिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी जो है, या बॉडी के अंदर जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाए, वाइटमिन डी कम हो या वाइटमिन बी कम हो, तो हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ जो आपका डैमेज है किसी भी चीज़ की वजह से, जो डैमेज है वो बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से आपको हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सनलाइट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे बहुत सारी एंजियोलिटिक्स हैं, यानी कि एंजाइटी के प्रॉब्लम में जो दी जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बीपी में, यानी कि हाइपरटेंशन में दी जाती हैं, उनसे भी जो है वो ये हो सकता है। इसके अलावा HCQ वगैरह, इस किस्म की बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको खाने से सनलाइट की एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है और उसकी वजह से इन टर्न पिगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करके, या ऐसी चीज़ें भी हैं जो गलत तो नहीं है लेकिन उनको गलत तरीके से यूज़ करने से हमारी स्किन के ऊपर हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। इतना ज़्यादा स्किन को ब्लीच करते हैं लोग पाकिस्तान में, आप पार्लर पे चले जाएं, सलोन पे चले जाएं, वहाँ हर फेशियल के अंदर ब्लीच यूज़ हो रहा है, लोग घरों के अंदर हर 10 दिन के बाद ब्लीच करते हैं, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो सकती है या होती है और उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन या झाइयाँ बन सकती हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, ट्वीजिंग है, जिसमें आप अपनी स्किन को खुद से अपनी स्किन को ट्रिगर कर रहे हैं, उसको इरिटेट कर रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो पिगमेंटेशन ट्रिगर हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन। इसके अलावा जी सनबर्न है, मरी चले गए, नथिया गली चले गए, हाइट वाले एरियाज पे चले गए, और जी मेकअप तो कर लिया, फेयर एंड लवली तो लगा ली, लेकिन आपने सनब्लॉक नहीं लगाया। जब आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे तो ऐसी जगह पे, हाइट वाली जगह पे सनबर्न होने का चांस जो होता है वो 200% होता है। और सनबर्न जब उस वक्त होता है तब तो कोई हल्की मामूली सी खारिश आपको फील हो सकती है या आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे पता नहीं कोई एलर्जी हो गई है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा आ जाता है जी सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स। जी हाँ, मैं उन्हीं वाइटनिंग क्रीम्स की बात कर रही हूँ जो आप सबको बहुत पसंद है, सस्ती से मिलती हैं और हर जगह से अवेलेबल हैं, और आप लोग ये लेके उसको लगाते हैं, क्या लड़के, क्या आदमी, क्या औरतें और क्या बच्चियाँ सब उसको ले लेके लगा रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो स्किन डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इररिपेयरेबल होता है, और उसकी वजह से जो स्किन में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी आपकी स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इससे बचना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही ज़रूरी या बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, वो है जी सन प्रोटेक्शन। जी हाँ, आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्शन दे के रखनी है। जब आपकी स्किन प्रोटेक्टेड होगी तो आप देखेंगे कि जो सन डैमेज है वो लीस्ट हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा या उसके होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर पिगमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आ सकेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ होती है जो कि प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करती है, हमें बचा के रखती है, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, वाइटमिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, वाइटमिन सी भी जो है वो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारी चीज़ें जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, ग्लूटाथायमोन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब जो है, इवन रेस्वेरिटॉल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब आ जाता है जी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के टॉप पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ योर सनब्लॉक। अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे या अपनी आदत में या आप अपनी रूटीन में सनब्लॉक नहीं रखेंगे तो बिलीव करें आप मलाजमा या चाइयों का जितना मर्जी ट्रीटमेंट करा लें, खा लें, लगा लें, क्लिनिक आके हमसे काम करवा लें, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी स्किन ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो सबसे ज़रूरी पार्ट है ट्रीटमेंट का दैट इज सनब्लॉक। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाती हैं डिफरेंट तरह की क्रीम्स, डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस जो हम आपको घर में यूज़ करने के लिए बताते हैं, देते हैं, और उसके अलावा क्या होता है, खाने की मेडिसिंस भी दी जाती हैं। ठीक है, समटाइम्स बॉडी के अंदर वाइटमिंस की डेफिशिएंसी होती है जो कि एसेंशियल वाइटमिंस होते हैं, समटाइम्स आयरन की कमी होती है, ये सब टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को जो है वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंटेशन देते हैं। इसके अलावा वाइटमिन सी, इसके अलावा रेस्वेरिटॉल और उसके साथ साथ ग्लूटाथियोन जो है, ये सब पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनको यूज़ करवाया जाता है, ये भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन स्किन में जहाँ पे कोई चीज़ बनी नहीं होती है, जहाँ पे कोई लीजन होती है जिसको हम ठीक करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली वहाँ पे मेडिसिन का लगाना या फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट करना ऊपर से बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी इंपॉर्टेंस को हम ख़त्म नहीं कर सकते स्किन में, हेयर में और उसके साथ साथ नेल्स में। ठीक है, फिर आ जाता है कि ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि क्लिनिक में आके करवाए जा सकते हैं या हम पेशेंट को बताते हैं कि आप ये प्रोसीजर्स करवाएं, इससे आपकी पिगमेंटेशन जा सकती है, वो क्या है। केमिकल पील्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन केमिकल पील किस स्किन को चाहिए और किस स्किन पे करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए उसके लिए कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर जो है वो आपकी स्किन को असेस करेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा, आपकी स्किन को एनालाइज करके, एग्जामिन करके उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो आपके लिए बेस्ट है। तो केमिकल पील्स बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेज़र्स, डिफरेंट नामों से लेज़र्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो इन लेज़र्स का काम है 90% इन सब लेज़र्स का काम होता है कि वो जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं उनको इनएक्टिव करती हैं। ठीक है, उनको इनएक्टिव करती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर पिगमेंटेड पैचेस या स्पॉट्स जो हैं वो लाइट होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी बहुत कॉमनली और बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें हम मेडिसिन को जो है वो इंजेक्शन में डाल लेते हैं और उसके बाद उन एरियाज में इंजेक्ट कर देते हैं जहाँ पे सेल्स ज़्यादा पिगमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी डर्मा रोलर। अच्छा, होता ये है कि जो पिगमेंटेशन होती है, जो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन होती है, वो तो चीज़ें लगा के हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो डीप पिगमेंटेशन होती है उसमें कोई ना कोई प्रोसीजर इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उस लेवल पे सेल्स के जो डीप सेल्स हैं जहाँ पे पिगमेंटेशन जो है, जहाँ पे पिगमेंट ज़्यादा बन रहा है, उस तक मेडिसिन को पहुँचाने के लिए हमें पोर्टल ऑफ एंट्रीज चाहिए होते हैं। वो पोर्टल ऑफ एंट्रीज जो है वो हम डर्मा पेन के थ्रू भी दे सकते हैं और उसके अलावा डर्मा रोलर के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा रेड लाइट थेरेपी होती है। रेड लाइट थेरेपी जो है वो स्किन की हीलिंग भी कराती है, जो सन डैमेज होता है उसको भी पूरा करती है और उसके साथ साथ पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स जो कि क्लिनिक बेस्ड हैं, यानी कि जो कि आप क्लिनिक पे आके करवाते हैं। नेवरदलेस जो घर में लगाने वाली चीज़ें हैं उनसे छुट्टी नहीं हो सकती है, उनसे कोई भी चीज, उनसे अवॉइडेंस नहीं रखी जा सकती है, वो तो आपको ज़रूर लगाने ही पड़ते हैं। और जिस तरह की पिगमेंटेशन होती है या जितना डैमेज होता है उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि आपको साथ में किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है जी, अच्छा अब मैं आपको कुछ जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स जो के एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं फॉर दी रिमूवल और या फिर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन वो दिखाने वाली हूँ। ठीक है, वो बताने वाली हूँ। इसके अंदर टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं, उसके अलावा वाइटमिन सी है, उसके अलावा अल्फा एल्ब्यूटीन है, उसके अलावा लूमिस्किन है, उसके अलावा हाइड्रोक्विनोन है और उसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा AHA भी हम यूज़ करवा सकते हैं या करवाते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और थिक होती है, सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ऐसे लोगों की स्किन जो होती है उसके अंदर एक्सफोलिएशन
या फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज चीज़ों की मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ जो है वो ट्रीटमेंट्स दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टायरोनेज इनहिबिटर है। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ मोस्ट फेवरेट विटामिन सी का प्रोडक्ट, जो कि कोई भी लगा सकता है, किसी भी स्किन टाइप पे आप लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको पोटेंट विटामिन सी दिखा रही हूँ, जो कि बेसिकली प्योर विटामिन सी है, और इसके अंदर ऐसी पेटेंटेड जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि इसकी 100% एब्जॉर्प्शन हो जाती है 99.9% आपकी स्किन में, इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये वाटर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों की स्किन थोड़ी मेच्योर है, जिन लोगों की स्किन थोड़ी ड्राई रहती है, ये जैसे अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और स्किन ड्राई रहती है, उनके लिए ये वाला विटामिन सी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये वाला विटामिन सी भी बहुत अच्छा है, और ये 25% विटामिन सी है, इट्स वेरी पोटेंट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि हेल्प आउट करता है पिगमेंटेशन का, ठीक है, खत्म करने में। उसके बाद मैं आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ, इट्स स्पॉट क्रीम, जहाँ पे पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन है सिर्फ वहीं पे लगाई जाती है, सिर्फ रात के टाइम पे, और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अल्फा एक्टिन है, बट इट्स ओनली द मेन इंग्रेडिएंट, अदरवाइज इसके अंदर जो है वो विटामिन सी भी है। अब मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा एक कॉम्बिनेशन दिखाने वाली हूँ, इस कॉम्बिनेशन को देखिए, ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर AHA भी है, इसके अंदर जो है वो लुमिस्किन भी है, इसके अंदर जो है वो अल्फा एबुटीन भी है, और इसके अंदर विटामिन सी भी है, इतना पोटेंट है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, इसके अंदर भी अल्फा एबुटीन, विटामिन सी और जो है वो डी पिगमेंटिंग एजेंट्स हैं। ये जो है ये बूस्टर सीरम है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मेडिसिन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी पोटेंट। ये इसी की मैं आपको क्रीम दिखा रही हूँ, इसके अंदर भी मेडिसिन का अमाउंट बहुत अच्छा है, लेकिन सिरप जो है वो बूस्टर सिरम है, इसका मतलब है कि सिरप में ज़्यादा इन्ग्रीडियंट है एज कम्पेयर टू दी क्रीम। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आपको ये वाला कॉम्बिनेशन दिखाने वाली हूँ, ये जो है ये हाइड्रोक्विनोन के साथ है, और इसके अंदर थोड़ा सा एक्सफोलिएशन के लिए ट्रेटिनॉइन भी डाला हुआ है। ठीक है, इट्स वेरी नाइस, और इनमें से कोई भी चीज़ जो है विटामिन सी के अलावा कोई भी चीज़ जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा वो आप ना यूज़ करें। लेकिन मैंने आपको कुछ मेन कुछ सेलियंट से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि प्रोडक्ट्स के अंदर मेन इन्ग्रीडियंट्स क्या चाहिए होते हैं जिससे पिगमेंटेशन जो है वो चली जाती है या जा सकती है।